आपका डाइट प्लान मुझे बताएं, आपने किस तरह वजन कम किया? कि मेरा डाइट प्लान एक्चुअली बिल्कुल डॉक्टर साहबा वाला लंच जो है वो मेरा लंच है, ठीक है। अब मैं अपने सुबह नाश्ते से आती हूँ। सबसे पहले तो मैं हमेशा थैंक यू कहती हूँ सोहेल भाई को। सोहेल भाई थैंक यू सो मच, क्योंकि जब मैं 75 kg पे थी तो मैं लिटरली रोई थी उनके पास जाके कि अब शायद मैं कभी भी अपनी वो तस्वीरें नहीं देख पाऊँगी, मैं अपने आप को वैसा नहीं देख पाऊँगी, मुझे अपने वो कपड़े वापस नहीं आएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा था, बेटा हर चीज़ तुम्हारे दिमाग में है, तुम अपने दिमाग को क्या मैसेज दे रही हो वो इम्पॉर्टेंट है। आज से तुमने ये कहना शुरू करना है कि मेरा वज़न कम हो रहा है, मेरा वज़न कम हो रहा है, मैं एक्सरसाइज करूँगी, मैं डाइट करूँगी, तो पहले तो अपने दिमाग को तैयार करना है। जो उन्होंने कहा, थैंक यू सो मच सुहेल भाई, उसके लिए मैं सारी ज़िंदगी आपको थैंक यू कहती रहूँगी। देन उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि जो मेरा ब्रेकफास्ट था वो था जी 4 बॉयल एग विद, जो आप कहते हैं ना हम लोग के बीच में से जर्दी निकाल दें, योग निकाल दें और आप सफेद नहीं, तो मैं तो 4 नहीं खा पाती थी। मैं सीरियस बताऊँ, मैं उसमें भी चीट करती थी, तो मैं 2 खाती थी, मुझसे इतनी ज़्यादा खाया नहीं जाता, और ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है, बगैर वो मुझे वैसे चीनी पसंद नहीं है, तो वो ब्लैक कॉफ़ी एक मुझे सुबह के वक्त में वो मिलती थी जो मुझे हर हाल में खा के जाना वैसे, और जाते वो मुझसे पूछते थे अंडे 4 खाए हैं या 2, तो मैं फिर झूठ तो नहीं बोल पाती, मैं कहती 2, कहते हैं ठीक है। तो वो आधे घंटे बाद जैसे ही मैं एक्सरसाइज शुरू करती तो 2 अंडे मेरे पास आ जाते थे, मतलब 4 खाने थे। बिकॉज कहते हैं बेटा देखो, हमने अगर आप लोगों को ये बताएगा कि अगर कोई डाइट प्लान किया है तो वो आपकी बॉडी को देख के किया कि इस वक्त आपके रिक्वायरमेंट कितनी है। अब आप अपनी तरफ से चीटिंग कर आ रही थी, मुझसे नहीं खाया जा रहा और हम आपको ट्रेनिंग उससे ज़्यादा करा रहे, तो आप तो गिर जाएंगी बाद में ये बदनाम होगा या कोई और बदनाम होगा जिसके साथ मैं ट्रेनर कर रही हूँ, हाय हाय मैं तो चकरा के गिर गई थी। तो गलती किसकी थी? वो मेरी अपनी थी। आ जाती बात ट्रेनर के ऊपर। तो अब मैं आपको बताऊँ, ये मेरा नाश्ता था। नाश्ते के फौरन बाद, क्योंकि मैं सुबह जाती थी, सुबह मेरी फुल टाइम वाली एक्सरसाइज होती थी, कार्डियो में रात में करती थी, तो ये जो एक्सरसाइज जब मैं करके 1.5 घंटे की मेरी एक्सरसाइज है, जब मैं घर पहुंचती थी तो उसके बाद मेरा मियाँ उन दिनों मेरे साथ था। अब वो मतलब मैं फेस टू शिफ्ट हो गई थी, फेस टू में गेट स्मार्ट था, मैं शिफ्ट ही भाई के पास हो गई, भाई के घर रहना शुरू हो गई। तो अच्छा। मेरा मियाँ तो माशाल्लाह मियाँ से ज़रा मोहब्बत है लेकिन मियाँ खाना बनाने में ही आ जाता था। तो अदनान आके मेरे लिए यही ब्लैक सी, मैंने हर बार बताया ब्लैक सी फिश मैंने सबसे ज़्यादा खाई, क्योंकि उसमें एक तो स्मेल नहीं होती, वो बहुत जल्दी उसको अदनान हल्के से पानी में स्टीम करते थे, उसी के अंदर जो डॉक्टर साहब ने बताया काली मिर्च रख दी, नमक, क्योंकि खुद बेसिकली हर फिश के अंदर नमक होता है, वो आप लोगों को भी पता है। हर फिश में एक अपना सॉल्ट होता है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट डाल दें, और सॉल्ट आपको मोटा करता है। और मेरी प्रॉब्लम ही स्वेलिंग थी, वाटर टेंशन थी। अगर मेरी काश ये पुरानी तस्वीरें दिखाते तो आज आपको पता चलता कि मैं कहती थी नलके लगा के पानी निकाल दो, हर डॉक्टर ये कहता है कि पानी प्लीज दिखाएं, हमारे पास बहुत सारी इनकी पुरानी तस्वीरें, जिसके पास भी जाओ वो कहते नहीं आपको वाटर टेंशन, मैं कहती थी पानी निकलेगा कैसे, नलके लगा दो, यहाँ से भी और गर्दन से भी फैट था, ये मेरी गर्दन ही नजर में यूं हो चुकी थी। तो मैं अब आपको सीरियसली बताऊँ, फिर मैं आती थी बिल्कुल सेम यही जिसमें हम मीठा खाते, मैंने आपको बताया वो प्याला, उतने आपने बॉइल्ड राइस लेने हैं, ढेर सारी उसमें मेरे पास अदनान जितनी आपने फ़िश ली है वो 100 grams ली डॉक्टर साहब आपने, इसी तरह 100 grams आपने फ़िश ली, उसको इसी तरह आपने स्टीम किया। देखें हम लोग इस चक्कर में रहते हैं, हाँ हमारे तो स्टीमर नहीं, हम खाना कैसे बनाएंगे। सारी ज़िंदगी हमारी माओ ने जब केक बनाया, केक जो है हमने बेकिस में किया है, हमने पतीलियों में कर लिया ना रख के, तो हमने इसी तरह स्टीम कर ली अपने ये फ्राई पैन में, पानी डाला उस पर, फिश रखी आपने, उसको ढक दिया बहुत हल्का सा पानी, उसके अंदर लीमू का रस डाल दिया आपने अपने हिसाब से उसका जितना फ्लेवर, और ढेर सारी मज़ेदार किस्म के सैलड बना लिया आपने। वो मैं पेट भर के खाती थी, मैं इतनी भूखी होती थी ना उस वक्त, मुझे मैं कहती थी कोई बस मिल जाए मैं खा जाओ सारी चीज़ें ना, लेकिन वो क्योंकि मुझे पता था कि मुझे खाना ही है। उसके बाद आपको एक ग्रीन का टी का, अगर आप ग्रीन टी नहीं पी रहे, नहीं मैं पीना चाहती अगर ग्रीन टी, वैसे तो मैं शौक से पीती थी, तो आप नहीं गरम पानी, आप हर औरत को बता रही हूँ मैं, जो मैं अपनी डाइट बता रही हूँ ये जर्नलाइज है, ये भी बताएंगे ये जर्नलाइज है, ये हर औरत कर सकती है, इसमें किसी बीमारी का कोई ताल्लुक नहीं है किसी चीज़ को लेके, क्योंकि जहाँ मैं गलत हूँ प्लीज़ आप टोक सकते। तो गर्म पानी
एक नॉर्मल कप आपने लिया, ये जिसमें आप ग्रीन टी पीते हैं, ये लिया आपने गरम किया इसको, नीम गरम, नॉट ये क्या खुला लिया पानी और आप ये गरम पानी पी लें शाम में, नहीं 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 खाने के बाद, आपने आधे घंटे का टाइम दिया खाने के बाद, खाने के बीच में खाना नहीं पिए, खाने से पहले पानी पिए, खाने के बीच में पानी नहीं पीना, खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना, कोशिश करिए एक घंटे का गैप हो, वरना आधे घंटे के गैप के बाद आपने गर्म पानी पीना है। चाइनीज सारी जिंदगी से जवान इसलिए कि वो गर्म पानी पीते आ रहे हैं, वहाँ ठंडा पानी सबसे महंगा मिलता है, गर्म पानी ही पीते हैं। तो ये अगेन वही वाली बात है कि आई कांट हैव गर्म पानी बहुत ज्यादा, तो मैं जो थोड़ा नहीं तेरी बीमारियां में ठीक रहूंगी, बात है मैं बात कर रही हूँ तो तुम्हें करना का ठीक है। गर्म पानी जब आपने पियेंगे तो ये हर एक के लिए आदत, देखें डेवलप करने की बात है कि नीम गरम की बात, नॉट हॉट वाटर, नीम गरम की बात, एक होता है जो बहुत गरम होता है जो जिस तरह ये खोलता हुआ, मैंने इसलिए वो सॉल्यूशन बोला कि नीम गरम पानी आपने, जैसे हमारी भी ग्रीन टी जब हम रखते हैं तो वो रखे रखे थोड़ी देर ठंडी हो जाती है, फिर अभी खोलता हुआ तो जबान जलाने वाली, जबान नहीं जलानी मेरी किसी बहन ने, है ना, तो बिल्कुल जबान जिसकी भी जलवानी जो बुरा बोलो उसकी उसको गर्म गर्म बुला देना। ओके फिर हम आते हैं अच्छा पे नहा, नहीं नहीं बीच में हमने एक दोबारा हमारा शाम का आता है। अच्छा शाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होना शुरू होती है, क्योंकि मैं शाम में फिर जाती थी कार्डियो करने के लिए, तो एक घंटे का मेरा कार्डियो होता था। उससे पहले मुझे क्या खाना है, वो रेड लोबिया, लाल लोबिया, रेड बीन्स जो होते हैं, वो भी ये नहीं कि आपने उतने भर के खा लिए, वो सेम वही प्याले का एक साइज आपने बॉईल किया हुआ, उसके अंदर आप हरी मिर्च काट के डाल लें, आप प्याज काट के चाट टाइप का बना लें कुछ ना, आपने वो खाया और अपना आप पानी की एक बॉटल पकड़ें और जिम चले जाएं। फिर मैं एक घंटा कार्डियो करती थी, वापस आती थी, वही 100 ग्राम की स्टेक बनी हुई होती थी, चिकन में आप बना लें इस तरह की, डॉक्टर साहब ने जैसे चिकन बनाई, आप यकीन माने मैं सिर्फ हमेशा ये सब लास्ट कहती मील कितने बजे होता था, कोई ये टाइमिंग भी थी? बिल्कुल 8 बजे के बाद आपने कोई इसके साथ रोटी चावल कुछ नहीं खाती थी ना, ये भी रात में कोई रोटी चावल नहीं, दिन में आपको चावल था। अब मैं आपको अपनी डाइट बताती हूँ कि अब मेरी डाइट क्या, अब मैं कीटोस पे हूँ ठीक है, अब जो मेरी डाइट है उसमें मैं मक्खन खाती हूँ, उसमें मैं क्रीम खाती हूँ, उसमें मैं क्रैप्स खाती हूँ, उसमें मैं हर वो चीज़ खा रही हूँ कि जो आपकी सोच से बाहर मेरी जिंदगी खाती ना सिवा नहीं, उसमें हमारे पास रोटियाँ भी आती हैं, छोटी छोटी रोटीज आती हैं, खाया रोटी इतनी छोटी छोटी रोटी आती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ इट्स अ लाइफ स्टाइल। आप ये जो डाइट है ना, ये कभी भी ये मत समझें ये लाइफस्टाइल है आपका, ये आपको जीना सिखाती है। अगर आपको पता चल जाए कि 7:30 बजे, मैं इसका आपको छोटी सी टिप दे रही हूँ, आप भी मुझे एग्री करेंगे शायद इस बात से, अगर आप 7:30 बजे लास्ट मील लेते हैं, 7:30 से अगले दिन 12 बजे तक आपको 18 घंटे आ रहे हैं, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट चलता है। अब जब आपकी उसको भूख लगती है तो आपकी चर्बी को नोचना शुरू करता है। अच्छा एक और चीज़ अपने आप को तो चाहिए ना, इंटरमीडिएट फास्ट जब वो आपकी चर्बी को आपके जिस्म से नोचेगा तो वही आपका यहाँ बात हुआ छोटी सी।